हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी कार के मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में, जिसको हम MID कहते हैं, उसमें जो अलग अलग वार्निंग लाइट्स होती हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे सिंबल जो है उनका मतलब बताता हूं, ताकि आप लोग को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट से। तो लेफ्ट में जो आप लोग दो ए के साइन देख रहे हैं, वो दोनों ही साइन हमारे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप के हैं। जो येलो वाला है वो तब ब्लिंक होगा जब आपने अपनी गाड़ी का ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बंद कर रखा होगा, एंड ग्रीन तब जलता है जब आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑन हो चुका। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। देन इसके बाद उसके बगल में आते हैं, जो आप लोग येलो कलर से एक लाइट देख रहे हैं जिसपे ABS लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके किसी एक सेंसर में प्रॉब्लम है, या फिर वो पूरा सिस्टम ही हमारे में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके बगल में एक जो गोल सा सिंबल है, जिसमें जिसके बगल में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, वो है स्टेयरिंग का सिंबल। वो तब जलता है जब आपकी पावर स्टेयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, एंड आपकी पावर स्टेयरिंग काम ना कर रही हो, एंड इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली अपने सर्विस सेंटर पे गाड़ी लेके जानी चाहिए, या फिर अगर आप कहीं चल रहे हैं तो गाड़ी आप साइड में लगाइए एंड अपना जो भी सर्विस सेंटर है नियरेस्ट उसको कॉल करिए। देन उसके नीचे जो एक लाइट है जिसपे ब्रेक बना हुआ है रेड कलर से, वो लाइट है आपके ब्रेक की। वो दो सिचुएशन में जलती है, एक जब हम हैंड ब्रेक लगाते हैं कार में तब, एंड सेकंड जब हमारे जो ब्रेक्स हैं उनमें फ्लूइड कम होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम हमारे ब्रेक, हमारी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है वो फेस कर रहा होगा, तब जलेगी। देन उसके ऊपर अगर हम देखें तो ऑन का जो बटन है वो बेसिकली आपका बताता है कि गाड़ी आपकी ऑन है। एंड उसके बगल में जो आप एक चाबी का सिंबल देख रहे हैं, चाबी का सिंबल ये सिर्फ उन गाड़ियों में आता है जिन गाड़ियों में स्टार्ट स्टॉप स्विच है, और उनकी अगर चाबी गाड़ी में नहीं है एंड वो गाड़ी स्टार्ट है तब ये सिंबल आपकी गाड़ी में दिखाएगा। उसके बाद आते हैं सेंटर में। सेंटर में जो सबसे पहला सिंबल आप लोग देख रहे हैं रेड कलर का, वो सिंबल है कि आपकी कार में जो इंजन ऑयल लेवल है वो या तो प्रॉपर नहीं है, या फिर वो ऑयल मूवमेंट करने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी कार में। इस सिचुएशन में भी आप जल्द से जल्द अपने सर्विस सेंटर पे जाइए एंड अपनी कार चेकअप कराइए। एंड उसके बगल में जो आप एक येलो कलर का सिंबल देख रहे हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिकली इस गाड़ी में है, एंड और भी अलग अलग गाड़ियों में हो सकता है। तो ये बेसिकली बताता ये है कि आपकी गाड़ी में जो ऑटोमेटिक लेवलिंग है हेडलाइट्स की, जो कि इस गाड़ी में अवेलेबल है, तो उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम या फॉल्ट है। अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक लेवलिंग होगी तो ये सिंबल आपके काम का है, बाकी फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन उसके नीचे जो आप सिंबल देख रहे हैं येलो कलर का, वो है एग्जॉस्ट सिस्टम या फिर चेक इंजन लाइट, उसको आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ऑन होता है जब आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट सिस्टम जो है आपका वो कुछ मैल फंक्शन हो गया हो। अब उसके तीन चार रीजंस हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है जो कि मेजर करता है अनबर्न्ड ऑक्सीजन जो कि आपके एग्जॉस्ट में निकलेगी, तो उसमें अगर क्वांटिटी में ऊपर नीचे होता है तो उस सिचुएशन में ये लाइट जल सकती है। एंड सेकंड, अगर आपकी जो इग्निशन कॉइल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये लाइट जल सकती है। देन उसके अलावा अगर आपके स्पार्क प्लग में कुछ प्रॉब्लम है तो भी ये लाइट जल सकती है। बेसिकली आपको जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाना है। देन उसके बाद बात करते हैं उसके बगल में जो स्विच है रेड कलर का, जिसपे एक बैटरी का साइन बना हुआ है, वो बहुत सिंपल है कि बैटरी आपकी कुछ प्रॉब्लम दे रही है, आपकी उसमें चार्जिंग इश्यूज हो सकते हैं, या फिर उसको पावर सही से नहीं मिल रही हो, या वो पावर डिलीवर नहीं कर पा रही होगी सही से। देन उसके बगल में जो एक ग्रीन कलर का सिंबल है जिसमें SHVS लिखा हुआ है, वो बेसिकली जितनी भी गाड़ियां जिनमें हाइब्रिड सिस्टम होता है, जैसे इस गाड़ी में है एंड और भी कई गाड़ियों में आता है, तो जब आपका हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा होगा तब ये लाइट जलेगी। इसलिए जिन गाड़ियों में ये होता है उन लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ये चलते चलते कभी कभी जल जाती है, कभी कभी बुझ जाती है, तो ये वही सिस्टम है जो आपकी गाड़ी में हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, जो कि आपकी गाड़ी में पावर एंड माइलेज आपका बढ़ाता है, वो सिस्टम की ये लाइट है। देन ये हो गए बीच के। देन आते हैं हम राइट साइड वाले में जो ऊपर आप देख रहे हैं जिसमें एक बलून टाइप का बना हुआ है जो ड्राइवर के या पैसेंजर के सामने, वो है बेसिकली एयरबैग की वार्निंग लाइट। अगर ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में एयरबैग जो लगे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एंड वो एट द टाइम ऑफ कोलिजन सही से काम नहीं करेंगे, जल्द से जल्द आप अपने सर्विस सेंटर पे लेके जाइए गाड़ी। देन उसके नीचे जो लाइट है वो जैसा कि बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कोई ना कोई आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, एंड उस चीज की ये वार्निंग है। देन उसके बगल में सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये ब्लिंक होगी। देन उसके बगल में जो सबसे कॉर्नर में फ्यूल मीटर के ऊपर एक लाइट है,
वो अगर जल रही है तो इसका मतलब जो आपका फ्यूल फिल्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है उसमें पानी आ गया हो या फिर हो सकता है उसमें कुछ कचरा आ गया हो, तो उस सिचुएशन में भी आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाइए। देन एक दो सिंबल और है जो कि आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहे हैं बट वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक जो अभी आप सिंबल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंबल आपकी कार में तब डिस्प्ले होगा जब आपकी कार की जो रिमोट की है उसकी अगर बैटरी डाउन होगी, तब आपको ये सिंबल दिखेगा। इसको चेंज करना बहुत आसान है, आप लोग किसी भी शॉप पे जाके इसको चेंज करा सकते हैं। देन इसके बाद जो आप सिंबल देख रहे हैं वो है ग्लो प्लग या फिर हीटिंग प्लग का इंडिकेटर, और ये जो सिंबल होगा ये सिर्फ और सिर्फ डीजल कार्स में आता है क्योंकि डीजल कार्स में लगते हैं ग्लो प्लग, एंड वो अगर कभी खराब होते हैं तो ये आपकी ग्लो प्लग की लाइट ब्लिंक करती है। तो ये थी आज की बहुत ही सिंपल सी वीडियो, ऐसे ही और वीडियोस आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।